हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम एसएससी जेई के प्रीवियस पेपर में आए हुए 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिंपल मशीन। तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो स्क्रू, वेज और पुली, ये सब क्या है? ये सब सिंपल मशीन के एग्जाम्पल है, जबकि स्प्रिंग सिंपल मशीन का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको काइनेमेटिक चेन दी गई है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये बताना है कि इसके अंदर बाइनरी जॉइंट कितने हैं और टर्नरी जॉइंट कितने हैं। बाइनरी जॉइंट क्या होता है? जब दो लिंक कनेक्टेड हो तब उसे बाइनरी लिंक कहते हैं, बाइनरी जॉइंट कहते हैं, और तीन लिंक कनेक्टेड हो तो उसे हम टर्नरी जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर ए जो है, डी है और ई है, ये क्या है? बाइनरी जॉइंट है। तो तीन कितने हो गए? बाइनरी जॉइंट। और बी और सी है, ये टर्नरी जॉइंट हो गए, तो दो हो गए टर्नरी जॉइंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दी गई है, इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको यदि फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल ईजी वे में निकाल लोगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है? कुर्जबेक फॉर्मूला मैंने बताया था सिंपल मैकेनिज्म में, ये होता है 3L-1 माइनस 2J माइनस H, जहाँ पे L क्या है? नंबर ऑफ लिंक, J है नंबर ऑफ जॉइंट और H है हायर पेयर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कोई हायर पेयर नहीं है, तो S की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? नंबर ऑफ लिंक देखते हैं। नंबर वन ये हो गया जो फिक्स लिंक है, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, और ये हो गया चौथा, और ये हो गया पाँचवा। स्लाइडर जो है ये पाँचवा लिंक हो गया, क्योंकि जितने भी फिक्स लिंक होते हैं उनको हम एक ही कंसिडर करते हैं। अब यदि मैं बात करूँ नंबर ऑफ जॉइंट की, तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो जाएंगे? सबसे पहले देखिए, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट हो गया, एक, ये हो गया दो और ये हो गया तीन। और यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये जो फिक्स लिंक है और स्लाइडर के बीच में एक जॉइंट बनेगा तो ये चार नंबर हो जाएगा, और जो स्लाइडर है और ये जो थर्ड नंबर लिंक है इनके बीच में एक पेयर बन जाएगा, तो यहाँ पे पाँच नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? ये हो गए पाँच, और नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए? ये भी हो गए पाँच। तो फॉर्मूले में यदि आप पुट करोगे 3L-1 कितना हो जाएगा? 4, और माइनस 2J, जे की वैल्यू कितनी है? 5। तो हायर पेयर कितने हैं? हायर पेयर हैं 0। तो 4 3 12 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? 2, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 4-बार मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑल आर स्लाइडिंग पेयर। तो फ्रेंड्स, मैंने 4-बार मैकेनिज्म आपको बताई थी। यहाँ पे चार लिंक होते हैं और एक लिंक को हम फिक्स कर देते हैं, किसी भी लिंक को फिक्स करके हम अलग अलग मैकेनिज्म निकालते हैं और एक को इनपुट देते हैं, दूसरे से हमको आउटपुट मिलता है। ये होती है 4-बार मैकेनिज्म। ऑल आर स्लाइडिंग पेयर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वन इज स्लाइडिंग पेयर एंड अदर आर टर्निंग पेयर। तो ये होता है सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म के अंदर, ऑल आर टर्निंग पेयर। तो जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे सभी क्या है? टर्निंग पेयर है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 4-बार मैकेनिज्म में सभी टर्निंग पेयर होते हैं। यदि मैं बात करूँ सिंगल स्लाइडर की, तो एक स्लाइडिंग पेयर होता है और तीन टर्निंग पेयर होते हैं, और डबल स्लाइडर में दो स्लाइडिंग पेयर और दो टर्निंग पेयर होते हैं। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल। तो यदि मैं बात करूँ स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगी? तो ऑप्शन देखिए, इंक्रीजिंग द बॉल वेट, डिक्रीजिंग द स्प्रिंग स्टिफनेस, डिक्रीजिंग द बॉल वेट, या फिर इंक्रीजिंग द स्प्रिंग स्टिफनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं स्प्रिंग की स्टिफनेस इंक्रीज करूँगा तो स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन और एक्सपांसन ये कम होगा। तो स्प्रिंग के अंदर यदि एक्सपांसन और कंप्रेशन कम होगा तो स्लीव का जो मूवमेंट है वो भी कम होगा, यानी गवर्नर स्टेबल हो जाएगा। तो यदि आपको गवर्नर को स्टेबल करना है तो स्टिफनेस को इंक्रीज करना होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द काइनेमेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं आपको डायग्राम से बना देता हूँ। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये स्टैटिक कंडीशन में, यदि इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो ये स्टार्टिंग में यदि हम फोर्स लगाएंगे, थोड़ा कम फोर्स लगाएंगे, तो ये मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रिक्शन और फोर्स के बीच में डायग्राम बना देता हूँ। तो जैसे जैसे आप फोर्स को इंक्रीज करोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम होगा, और उससे ज़्यादा आप थोड़ा सा फोर्स और लगाएंगे तो ये
बॉडी क्या मोशन में आ जाएगी, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा ये काइनेमेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन जो होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है, ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ यदि आप ऑप्शन को देखोगे तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बुल इंजन। यहाँ पे आपको डायग्राम में बुल इंजन का डायग्राम दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टेन बाई फिक्सिंग दी सिलेंडर और स्लाइडिंग पेयर। तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर को फिक्स किया गया है, तो बुल इंजन में या तो सिलेंडर को फिक्स करते हैं या फिर स्लाइडिंग पेयर को फिक्स करते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट अबाउट द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में मैंने बताया था और अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। ये जैसे मान लो ये फोर बार मैकेनिज्म है, इसमें एक लिंक को पहले फिक्स कर देंगे तो अलग मैकेनिज्म होगी, फिर दूसरे लिंक को फिक्स कर देंगे तो अलग मैकेनिज्म प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टेन बाई फिक्सिंग डिफरेंट डिफरेंट लिंक इन काइनेमेटिक चेन, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्राई क्लच एंड वेट क्लच। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ड्राई क्लच और वेट क्लच के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ड्राई क्लच के अंदर ऑयल नहीं प्रेजेंट होता है और वेट क्लच के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है। पहला डिफरेंस तो यह हो गया। जब ड्राई क्लच के अंदर लुब्रिकेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो उसमें साउंड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वियर और टीयर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जबकि वेट क्लच के अंदर लेस साउंड प्रोड्यूस होता है और वियर और टीयर भी कम होता है। ड्राई क्लच के अंदर जब लुब्रिकेंट नहीं होता तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी उसमें ज़्यादा होती है, जबकि वेट क्लच के अंदर टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कम होती है। तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं, हीट डिसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन ड्राई क्लच। तो ड्राई क्लच के अंदर लुब्रिकेंट नहीं होता तो हीट का डिसिपेशन कम होता है, यानी कि हीट जनरेट ज़्यादा होती है लेकिन डिसिपेशन कम होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। रेट ऑफ वियर इज वेरी लेस इन वेट क्लच एज कम्पेयर टू ड्राई क्लच। तो अभी मैंने बताया था कि वेट क्लच के अंदर लुब्रिकेशन होता है इसलिए उसमें वियर एंड टीयर कम होता है, तो सेकंड भी करेक्ट है। टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ ड्राई क्लच इज लेस देन वेट क्लच, तो ये यहाँ पे बात गलत लिखी गई है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी होती है ड्राई क्लच की ज़्यादा होती है। इंगेजमेंट इन वेट क्लच इज स्मूथर देन ड्राई क्लच। तो वेट क्लच के अंदर लुब्रिकेशन की वजह से इंगेजमेंट और डिसइंगेजमेंट जो स्मूथर होता है, तो ये बात भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टॉर्क क्वांटिटीज इन कॉर्न क्लच। तो कॉर्न क्लच के अंदर टॉर्क को निकालने के लिए दो थ्योरी हैं, एक तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और दूसरी है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूथ व्हील डज नॉट कम अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग। तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल गियरिंग, इंटरनल गियरिंग और रेक और पिनियन, ये सभी होते हैं जबकि पैरेलल गियरिंग नहीं होता, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोफाइल ऑफ द गियर इज इन्वोल्यूट विथ 200 इफ द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच एंड लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस आर 28 mm एंड 25 mm रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपको आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ बताना है, तो इसका फॉर्मूला आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट टू द कोस फाई। बस छोटा सा फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट यानी पाथ ऑफ अप्रोच टू द पाथ ऑफ रेसेस, इस दोनों का समेशन जो होता है ये होता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे इन दोनों को आप यदि ऐड कर दोगे 28 प्लस 25 अपॉन कोस फाई, कोस फाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 0.94 डायरेक्ट दे रखी है, तो यदि आप इसको डिवाइड करोगे 28 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 0.94, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आएगा 56.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नर इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव इज हाई फॉर स्मॉल चेंज इन स्पीड इज नोन एज। यदि हम स्पीड के अंदर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसका जो स्लीव का डिस्प्लेसमेंट है यदि ज़्यादा होता है तो ऐसे गवर्नर को हम बोलते हैं सेंसिटिव गवर्नर, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं और स्लीव का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होता है तो ऐसे गवर्नर को हम स्टेबल गवर्नर कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज़ कॉमन बिटवीन द टू पिच सर्कल इज नोन एज। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लो ये टूथ है गियर का, ठीक है, ये टूथ है, तो इसका जो पिच सर्कल होगा तो ये पिच सर्कल होगा। और दूसरा मैं आपको पिनियन का बता देता हूँ। तो मान लो ये जो है पिनियन का टूथ है, ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, तो ये जो पिनियन का और गियर यहाँ पे टच होंगे तो ये पिनियन का पिच सर्कल हो जाएगा। तो जहाँ पे ये कौन दोनों टच करते हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं द टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर ए प्लेट पर पिच लेंथ ऑफ द आउटर रो ऑफ द रिवेट इज। तो यहाँ पे आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो ये एक रिवेट के लिए प्लेट है, इसके अंदर हमने एक होल किया हुआ है रिवेट को डालने के लिए। तो यदि इस होल का डायामीटर डी होता है और इस जो प्लेट की विड्थ जो है स्मॉल पी है, तो टोटल जो है विड्थ कितनी हो जाएगी, पी माइनस डी। और यदि इसकी थिकनेस मान लो टी है, तो जो टोटल एरिया है ये हो जाएगा पी माइनस डी इंटू टी। यदि मैं आज के स्ट्रेस की बात करूँ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ सिग्मा टी कितना आ जाएगा, टोटल लोड यदि मान लें, मान हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ पी टी लगाया है, कैपिटल पी टी, तो पी टी डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा। एरिया कितना है, पी माइनस स्मॉल डी इंटू टी। तो यदि मैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा टी इंटू पी माइनस डी इंटू टी। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चूज द ऑप्शन विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द टर्म फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, तो बिल्कुल सही बात है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इट लीड्स टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी मोशन को रिड्यूस करता है कौन, फ्रिक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है, इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बात गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द गिवन फॉर्मूला इज ए करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टेन फाई होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए टेन फाई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस। तो ये सभी को पता होगा, बिल्कुल ईजी है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट फॉर द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस होता है मैक्सिमम एनर्जी कैन बी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये होता है रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलियंस एंड यूनिट वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ द पॉइजन रेशियो इज 0.25 एंड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलिटी ऑफ द मटेरियल इज 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका छोटा सा फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, ई इज इक्वल्स टू 2g1 प्लस म्यू। तो ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। और g की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 और 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25। यदि ये वैल्यू आप इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 200। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑप्शन फॉर वैलिडेशन ऑफ हुक्स लॉ इज द सिंपल टेंशन टेस्ट। तो टेंसाइल टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, ये स्टील के लिए होता है, यहाँ पे स्ट्रेस होता है और यहाँ पे स्ट्रेन होता है। तो जब हुक्स लॉ कब तक वैलिड होता है, तो हुक्स जो है लॉ है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक बेस्ट रिजल्ट देता है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगला क्वेश्चन है ए स्टील रोड हुज डायामीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग एक्सपीरियंस हीटिंग फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज अल्फा इज यूएस टू 12 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस एंड द रोड हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। द थर्मल स्ट्रेस डेवलप इन द 288 MPa। वाट इज़ द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इन GPa। तो यहाँ पे आपको यंग मॉडुलस की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, सिग्मा इज इक्वल्स टू ई अल्फा डेल्टा टी।
यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल इजी वे में निकाल लोगे। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 288 288 मेगा पास्कल में। यहाँ पे आपको पूछा किस में गया है, गीगा पास्कल में, तो मैं पहले ही इसको गीगा पास्कल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 10^-7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ई इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 12 × 10^-6 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, 32 150, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 120। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो ई की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 200। बहुत ईजी है, तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द इनकरेक्ट कंडीशन फॉर थर्मल स्ट्रेस इन द बॉडी। तो थर्मल स्ट्रेस के लिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, सिग्मा इजिकल्स टू ई अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे आपको बताना है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, अल्फा का फंक्शन होता है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन फोर्थ जो दिया गया है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि ये जी का फंक्शन है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। थर्मल स्ट्रेस जो है ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फंक्शन नहीं होता, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला फॉर द यूलर बकलिंग लोड इज गिवन एज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L², दिस इज ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले आपको यूलर बकलिंग लोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यूलर बकलिंग लोड का फॉर्मूला होता है पी ई इजिकल्स टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर। यहाँ पे एल ई क्या है, इफेक्टिव लेंथ है। क्या है, इफेक्टिव लेंथ। ये लेंथ जो है ये अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग होती हैं। ये कितनी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि मान लो कोई कॉलम दोनों जगह से फिक्स है, दोनों एंड से फिक्स हैं, उसके लिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है L/2, ये आपको याद रखना है। और यदि मान लो कोई जो कॉलम है ये दोनों जगह से हिंज है, फिक्स नहीं है, हिंज है, तो हिंज के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होती हैं ये होती हैं LE = L। और यदि मान लो कोई कॉलम है ये एक जगह से तो फिक्स है और एक जगह से ओपन है, तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती हैं LE = 2L। तो यहाँ पे आपको किसके लिए पूछा गया है, द फॉर्मूला फॉर यूलर बकलिंग लोड यहाँ पे दिया गया है। तो यदि आप L की जगह 2L पुट करोगे, LE की जगह आप 2L पुट करोगे, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L². तो ये किसके लिए है, तो ये एक जगह तो फिक्स है और दूसरी जगह से ओपन है, तो कॉलम विच इज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो सभी कंडीशन मैंने बता दी है, तो आपको सारी कंडीशन याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में कौन सा भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूलर बकलिंग लोड फॉर द कॉलम हैविंग बोथ एंड फिक्स्ड एंड बोथ एंड आर हिंज। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, यूलर बकलिंग लोड का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सिर्फ लेंथ के बारे में चेंजेज आता है फिक्स और हिंज के लिए, तो मैं सिंपली ये लिख देता हूँ, पी ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल ई का स्क्वायर। तो पी वन मान लो मैं फिक्स के लिए लेता हूँ, और पी जो है ये हिंज के लिए मैं पी एच लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/LE, जो इफेक्टिव लेंथ ये फिक्स के लिए एल ई का स्क्वायर कर दूंगा मैं, और यहाँ पे, और ये हिंज के लिए आ जाएगा एल एच का स्क्वायर। तो इफेक्टिव लेंथ फिक्स के लिए कितनी होगी, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, यदि दोनों एंड फिक्स हो तो L की जगह L/2 आ जाता है, तो L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ L आ जाएगा। तो यहाँ पे जो L/2 है ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4:1, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द एलोंगेशन इन ए स्टील बार हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमेंशन 40 mm × 40 mm इज 2.5 mm इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी इफ द लेंथ ऑफ बार इज 4 m एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इजिकल्स टू 250 GPa, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पे आपको सिंपली पी की वैल्यू पूछी गई है। तो यदि आपको एलोंगेशन का फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल ईजी कर पाएंगे, डेल्टा इजिकल्स टू PL/AE, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा यानी कि डिफ्लेक्शन कितना है, यहाँ पे एलोंगेशन कितना है, 2.5 mm, तो 2.5 mm पी की वैल्यू आपको बतानी है। एल क्या है, ये है 4 m, तो सभी जो हैं यूनिट आपको सेम रखनी है, तो यहाँ पे भी मैं mm में पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 4 × 10^3, और एरिया को 40 × 40 है, तो 40 × 40, और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी दे रही है, 250 GPa,
तो 250 गीगा पास्कल। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, सभी लेंथ यदि आपने एमएम में रखी हैं तो इसको भी आपको मेगा पास्कल में रखना है। तो यहाँ पे 250 × 10³। तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपका पी की वैल्यू आ जाएगी 100, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पी जो है आपका किलो न्यूटन में आपको निकालना है। तो यदि आपका आंसर 100 × 10³ आता है तो ये आ जाएगा किलो न्यूटन के अंदर। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझाए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।